भारतीय टेलीविज़न में बहुत से शो दिखाए जाते हैं जो अपनी किसी न किसी खूबी के लिए लोगों के बीच प्रसिद्ध रहते हैं। दोस्तों, आज हम आपको हिंदी टेलीविज़न के 10 प्रसिद्ध जासूसी सीरियल के बारे में बताएंगे जो दर्शकों के बीच काफ़ी समय तक लोकप्रिय रहे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे और वीडियोज़ देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें। व्योमकेश बख्शी जासूसी सीरियल अपने वक्त का सबसे लोकप्रिय जासूसी सीरियल था जो एक बंगाली उपन्यास पर आधारित था। इस सीरियल में रजत कपूर ने व्योमकेश बख्शी की प्रमुख भूमिका निभाई थी। यह सीरियल अपने जमाने में इतना हिट रहा था कि अभी कुछ समय पूर्व ही इस सीरियल पर आधारित फिल्म भी आ चुकी है जिसमें सुशांत सिंह राजपूत ने मुख्य भूमिका निभाई थी। करमचंद चैनल दूरदर्शन पर सन 1985 में प्रसारित होने वाले इस सीरियल में जासूस करमचंद की भूमिका को पंकज कपूर ने निभाकर सबका मन मोह लिया है और उस समय यह सीरियल सबसे लोकप्रिय सीरियल्स में से एक था। इस सीरियल के बाद ही पंकज कपूर को घर घर में पहचान मिली थी। यह सीरियल सबसे सफल सीरियल्स में भी शामिल है। CID भी भारत के सबसे लोकप्रिय जासूसी सीरियल में से एक है जिसके हर किरदार को घर घर में पहचाना जाता है और हाल ही में इस सीरियल ने इंडियन टेलीविज़न में अपने 16 साल पूरे किए हैं। इसके बाद से यह सीरियल और भी ज़्यादा लोकप्रिय हो गया है। अदालत टेलीविज़न के इतिहास में सबसे लोकप्रिय टीवी सीरियल्स में से एक है जो सबसे ज़्यादा दिनों तक चलने वाला अदालती मुकदमों का सीरियल रहा है। इसे सन 2010 से सन 2015 तक प्रसारित किया गया था। इस सीरियल में रोनित रॉय ने वकील KD पाठक की मुख्य भूमिका निभाई है। यह रोनित की सबसे बेहतरीन भूमिकाओं में से एक है। तहकीकात भी कई लोकप्रिय जासूसी सीरियल्स में से एक है जिसमें जासूसी के साथ साथ हास्य का पुट भी रहा है। इस सीरियल में विजय आनंद ने सैम डी सिल्वा का रोल अदा किया था और प्रसिद्ध एक्टर सौरभ शुक्ला ने गोपी चंद का रोल निभाया था। वैसे इस सीरियल के केवल 13 एपिसोड ही टेलीकास्ट हुए थे लेकिन फिर भी इसे काफ़ी लोकप्रियता हासिल हुई थी। राजा और रेंचो भी मजेदार जासूसी सीरियल था। इस सीरियल में पहली बार एक इंसान और बंदर की जोड़ी को केस सुलझाते हुए दिखाया गया था। यह सीरियल भी लोगों के बीच काफ़ी पसंद किया गया। इस सीरियल में वेद थापा ने जासूस की भूमिका निभाई थी और बंदर का नाम रेंचो दिया गया था। सुराग द क्लू इस सीरियल में सुदेश बेरी ने CID इंस्पेक्टर भारत की भूमिका निभाई थी। सुदेश बेरी द्वारा अभिनीत सीरियल सुराग द क्लू भी अपने समय का लोकप्रिय सीरियल रहा है। जब यह सीरियल बंद हुआ तो इसी सीरियल की सीरीज CID ऑफिसर के नाम से शुरू हुई थी जिसमें सुराग की टीम ने ही अभिनय किया था। स्पेशल स्क्वाड स्टार प्लस पर सन 2005 में शुरू हुआ स्पेशल स्क्वाड भी एक हिंदी सस्पेंस थ्रिलर शो था। इस सीरियल के नाम से ही पता चल रहा है कि एक स्पेशल टीम विशेष केसों की जांच के लिए बनाई गई है। इस सीरियल को विजय जय रंजन ने लिखा था तथा नंद कुमार काले और सत्यम त्रिपाठी ने डायरेक्ट किया था। करण द डिटेक्टिव सीरियल सन 2005 में भारतीय टेलीविज़न पर प्रसारित हुआ था। यह सीरियल भी लोगों के बीच काफ़ी चर्चित रहा था। इसमें प्रसिद्ध खलनायक किरण कुमार ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। सबूत सन 1998 में प्रसारित हुआ यह डिटेक्टिव शो सबूत भारत का पहला ऐसा सीरियल है जिसमें किसी महिला ने मुख्य जासूस का रोल अदा किया है। इस सीरियल में अनिता कंवर ने CBI इंस्पेक्टर KC का रोल निभाया था जो लोगों के बीच काफ़ी समय तक लोकप्रिय भी रहा। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करना ना भूलें और अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे और वीडियोज़ देखने के लिए इसे सब्सक्राइब करें।